मेडिसिन में जब आप पहुंचेंगे ना, आप सोचते हैं, आज आप सोचते हैं कि केमिस्ट्री क्यों पढूं मैं। हाँ, जीवन नीट वाले मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाते, मेरे को फिजिक्स पढ़ाते, इनको आती नहीं शर्म कि इनको केवल बायोलॉजी पढ़ा के निकाल लें हमको। देखो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, केवल बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स में मन नहीं लगता हमारा, केमिस्ट्री में मन नहीं लगता हमारा, तो क्यों पढ़ा रहे हैं हमको ये? अरे भैया थोड़ा समझ लो, जब तुम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में होगे, फिजियोलॉजी में कई सारे प्रैक्टिकल ऐसे होंगे जहां पर तुम्हारा फिजिक्स काम में आएगा। जब तुमको जो है वो डॉक्टर ईसीजी बताएगा, आपको आपके वेक्टर बताएगा, तो जो वेक्टर तुम पढ़ के भी अभी जिस वेक्टर को तुम लापरवाही में लेते ना, वही वेक्टर वहां दिखाई पड़ेगा। अरे ये तो फिजिक्स आ गया फिर से, ठीक है, पीछे जान का पीछे ही नहीं छोड़ रहा फिजिक्स। आगे बढ़ते जाओगे, लीवर वीवर ऑर्थोपेडिक सर्जन में सब आ जाएगा, तो फिजिक्स चलता रहेगा, फॉर्म बदल जाएगा। अभी वो नहीं पूछेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं पूछेगा लीवर मैकेनिज्म, तब भी काम आ रही होगी यहां पे, ठीक है, फिजिक्स तो काम करेगा। केमिस्ट्री उसके बगैर तो ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं, फार्माकोलॉजी पूरा केमिस्ट्री है कि ये दवा इससे काम करेगा तो ये केमिकल बन जाएगा, वो केमिकल उससे काम करेगा तो वो केमिकल बन जाएगा, ये बीमारी में ये केमिकल गड़बड़ है तो ये दवा दोगे तो ये वाला केमिकल कन्वर्ट होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा केमिस्ट्री है। आई बात है।